जय श्री ओम नमः सिद्धेश्वर, जय श्री ओम नमः सिद्धेश्वर, जय श्री ओम नमः सिद्धेश्वर। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चेव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनो प्रक्षालित सकल भूतलमल कलंका मुनि भी निरूपासित तीर्था सरस्वती हर्तु नो दुरीकार। अज्ञान तिमिरांधानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षूर्ण मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः, परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुषवंशकम श्रेयसां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्यजीवमन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाशकम पाप प्रणाशमिदं शास्त्रम श्री मोक्षमार्ग प्रकाशक नाम देय। अस्य मूल ग्रंथकर्ता रह श्री सर्वज्ञ देवा, सर्वोत्तर ग्रंथकर्ता रह श्री गंधर्व देवा, प्रति गंधर्व देवा चेताम वचना सामाजिक आचार्य कल्प पंडित टोडर मल्ली द्वारा विरचित श्रोता रह सावधान दया संबंध। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम गुणि, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगल। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्मानाम जैनम जेतु। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरे। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते, यही भाव विचिन्न मन में रहता है। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। जब लोग देव शास्त्र गुरु की मोक्षमार प्रकाशक ग्रंथ विराजमान है, दूसरा अधिकार कर्म के उदयजन्य अवस्था उसका यहाँ निरूपण किया गया है। नाम कर्म के उदयजन्य इस जीव की क्या अवस्था होती है, नाम कर्म अघात्या कर्म है और अघात्या कर्म से बाहर की सामग्री मिलती है और बाहर की सामग्री के मिलने पर मोह के उदय से जीव कैसे उनसे जुड़ता है, संसार अवस्था में इसका इस अधिकार में यहां चित्रण है। प्रकरण जो अपना चल रहा था नाम कर्म की अनेक प्रकृतियां जो भेद हैं उनके उदय से क्या क्या होता है इसकी चर्चा अपन ने करी। अपना जो पैराग्राफ अंतिम पैराग्राफ है जो हमें चर्चा करना है, पेज नंबर 49 है ना मेरे ग्रंथ में, आप निकालिए इस पैराग्राफ को। आप में से कोई एक पढ़े भाई, कोई भी पढ़े है ना, खजाव साहब आप पढ़ो जो हमें आप चर्चा करना है आज। पेज नंबर 49 है मेरे ग्रंथ में, हाँ अंतिम पैराग्राफ है। गमनाधिक होते हैं,
पैराग्राफ तो सरल है, आपके समझ में भी आ गया होगा कि इस संसार अवस्था में जीव का शरीर के साथ एक क्षेत्र अवगाह संबंध है। किसके साथ? नाम कर्म के उदय से जो शरीर प्राप्त है ना, उसका और जीव का कैसा संबंध है बाबूजी? एक क्षेत्र अवगाह संबंध है, अने एक क्षेत्र में दोनों रहते हैं। ठीक है, अब एक समस्या और है। क्या समस्या है? कि दोनों के पास क्रियावती शक्ति है। किसके पास शक्ति है? दोनों के पास क्रियावती शक्ति है, अने दोनों गमन कर सकते हैं। कौन कौन गमन कर सकते हैं? जीव और शरीर। अब प्रश्न यह है कि बेड़ी है एक क्षेत्र अवगाह की, है ना, लिमिटेशन क्या है? एक क्षेत्र अवगाह है ना, इस शरीर और आत्मा जहां जिस क्षेत्र में रहते हैं संसार अवस्था में, वो क्षेत्र को छोड़कर अभी जाता नहीं आत्मा। किस क्षेत्र को छोड़ के नहीं जाता? जहां जहां शरीर के जो भी है बुद्धल परमाणु है वहां। देखो समुद्घात का प्रकरण है, वो अभी छोड़ देना, बाकी पार्ट आप चित्त में रखना। ठीक है, अब प्रश्न ये है कि दोनों के पास क्रियावती शक्ति है, दोनों गमन कर सकते हैं, गमन कैसे होता है? बात तो ये है, गमन कैसे होता है, इस प्रकरण को यहां पर टोडर मल्ली साहब ने उदाहरण देकर समझाया है। किस किस का? आत्मा का और शरीर का गमनादिक कैसे होता है, है ना। निकालो आप पेज नंबर 49, अपन अभी पढ़ते हैं। देखो पहली पंक्ति क्या लिखी? तथा शुभ अशुभ गमनादिक होते हैं। इसका अर्थ क्या है बाबूजी? इसका अर्थ क्या है? शुभ अशुभ गमनादिक होते हैं, मतलब कोई गमन शुभ होता है, कोई गमन अशुभ होता है, ऐसा है क्या अर्थ? अरे देखो भाई पंक्ति है, पंक्ति देखो क्या लिखा है। आत्मा का गमन कैसा होता है? भाई आत्मा का स्वभाव तो ऊर्ध्वगमन का है। कैसा है? आत्मा का स्वभाव तो ऊर्ध्वगमन का है। आत्मा अगर कर्म से बंधन छूट जाए, कजावस्था क्या, कर्म से बंधन छूट जाए सभी प्रकार के कर्म से, तो आत्मा नियम से कैसे जाएगा? सीधा ऊपर जाएगा। ठीक है, और कर्म के साथ बंध है, कर्म के साथ बंध हो या नो कर्म भी साथ में जोड़ लो, क्योंकि विग्रह गति में भी नो कर्म तो नहीं रहता, द्रव्य कर्म तो है ना, वहां तो वहां पे भी गमन होता है। ठीक है, तो दो प्रकार के गमन हो गए। अभी संसार अवस्था की बात चल रही है, इसका मतलब है कि यहां ऊर्ध्वगमन वाली तो बात नहीं है, क्योंकि वो तो कौन सी दशा है? जब आत्मा कर्मों से छूट जाए तब वो सीधा ऊर्ध्वगमन करेगा। ठीक है, और सिद्ध दशा में भी सिद्धालय पे पहुंच गया उसके बाद गमन नहीं है, फिर आप कहेंगे गमन क्यों नहीं है? तब आगे धर्म द्रव्य जो है गमन कराने में निमित्त है, लेकिन गमन तो नहीं है ना वहां पर। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि फिर गमन में बंटवारा कैसे करना, क्या कि यह शुभ गमन है या यह अशुभ गमन है, कि यहां इस पंक्ति का कोई दूसरा अर्थ है। हाँ, तो वो क्या कहलाता है? वो गमन शुभ कहलाता है, ऐसा स्वर्ग में जाने वाला गमन शुभ है और नरक में जाने वाला गमन अशुभ है, ऐसा है क्या? और चलो स्वर्ग नरक नहीं गया और अभी जो गमन हो रहा है उसमें क्या है? और चलो अपन जाते हैं, अपन तो छोड़ो, केवली भगवान का गमन कैसा है? केवली भगवान का विहार होता है ना, अनंत भगवान का विहार तो होता है, है? है? जमीन से चार अंगल ऊपर है। ठीक है, बिना इच्छा से होता है, लेकिन गमन तो होता है, आत्मा के प्रदेश भी जाते हैं और जो परम औदारिक शरीर है उसका भी, वो भी सब सब, क्या किसको शुभ माने किसको अशुभ माने? भाऊजी कहीं पढ़ने में आया है ये प्रकरण? आपके कहीं पढ़ने में आया?
आप बाबूजी बता रहे हो ऐसा कहीं आपके पढ़ने में आया कि स्वर्ग में जाने वाला गमन शुभ है और नरक में जाने वाला गमन अशुभ है? अरे ऐसा कहीं के आपके ऐसा मतलब आप अपने हिसाब से लगा रहे हैं कि कहीं देखो यहाँ जो प्रकरण चल रहा है इसमें ये शुभ अशुभ गमन से रिलेटेड नहीं है। यहाँ क्या ये जो प्रकरण चल रहा है मैं अपने एंगल से बता रहा हूँ, आपके पास और कोई एंगल हो तो बताना। जो ऊपर कही गई बात, कौन सी ऊपर कही गई बात? मनुष्य गति है ना, पांच जो है ना, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पंच इंद्री, जाति, फिर शरीर की रचना, अंग उपांग की रचना, शरीर का संस्थान है ना, शरीर का सहनन, ये जो है ये सब ऊपर चर्चा करके आए हैं। अब इस प्रकार का शरीर जो संसार अवस्था में नाम कर्म के उदय से मिलता है, उसमें दो प्रकार के नाम कर्म और हैं, एक शुभ नाम कर्म और एक अशुभ नाम कर्म। शुभ नाम कर्म से वो सुंदर और अशुभ नाम कर्म से असुंदर, ऐसा जो ऊपर का शरीर है वो शुभ और अशुभ, ऐसा नाम कर्म का भेद है। बात पकड़ में आई बाबूजी? नाम कर्म के 93 भेद है ना, उसमें शुभ नाम कर्म और अशुभ नाम कर्म, ऐसे उस शरीर के सुंदरता से उसके दो विभाजन करे हुए हैं है ना, उसका उदय से। बात पकड़ में आ रही क्या? तो ऊपर जो दो पैराग्राफ में कही गई बात, जो शरीर है उसमें से शुभ भी है और अशुभ भी है, एक तो ये बात है इसके शुभ के, और वह शरीर संसार अवस्था में गमनादिक भी करता है, शरीर भी करता है और आत्मा का भी गमन होता है। अब वो कैसे गमन होता है वो यहां बताया, ये तो मैंने मेरे एंगल से सोच के बताया, आप अपने एंगल से सोचना उसके अलावा और क्या हो सकता है। क्या ये जो प्रकरण है इसमें जो बात लिखी ना शुभ और अशुभ, ये क्या है शुभ और अशुभ? नाम कर्म का प्रकृतियों के भेद है। आपने आपको भेद 93 के भेद है ना, आप किसने जाके देखे घर पर? बहुत कठिन है बाबूजी, क्या ढूंढना 93 है? सीधा है, आप कहीं भी जैन सिद्धांत को या जहां भी आपके भेद होंगे वहां नाम से और यहां इस पैराग्राफ को मिलान करना है कि टोटर मल्ली साहब ने कैसे उसके उसको समझाया प्रश्न। वो सेंटेंस ऐसा ही लिखा है, तथा शुभ अशुभ गमनादिक होते हैं, ठीक है? तो ऐसा लगता है कि कोई गमन शुभ है और कोई गमन अशुभ है, ऐसा यहाँ कुछ, क्योंकि गमन में ऐसा कोई भेद पढ़ने में नहीं आया, कोई गम है, गमन तो होता ही है, अब इसमें क्या भेद डालेंगे? तो एक्चुअली क्या है, ये जो ऊपर का शरीर है वो शुभ नाम कर्म अशुभ नाम कर्म, सुंदर असुंदर, ऐसा भी विभाजन है। तो ये मैं यहां ऐसा अर्थ निकाल रहा हूं आपको, आप और कोई इसका अर्थ आगम के आधार से, क्योंकि शुभ और अशुभ नाम कर्म तो है ही, ठीक है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है, उसके अलावा गमनादिक के भेद कहीं आपके पढ़ने में आए हो और किस आधार से बंटवारा किया हो, जहां ये उत्तर मिलता हो, मिलान खाता हो, तब उसकी चर्चा करेंगे, ठीक है? ये आपको होमवर्क है, ढूंढ के आपको लाना है, ठीक है? अभी क्या यहां समझना कि गमनादिक होते हैं, गमन आने शरीर का, संसार अवस्था में आत्मा एक क्षेत्र होगा संबंध, अब गमन कैसे होता है ये यहां समझा रहे हैं। और शुभ अशुभ, शुभ अशुभ वो नाम कर्म के भेद है ना, उनकी प्रकृतियों के भेद है ना, शुभ से सुंदर, अशुभ से असुंदर, जो ऊपर में जो शरीर मिला है उसमें दो प्रकार का विभाजन है, ठीक है? चलो आगे, यहां ऐसा जानना, क्या समझा रहे हैं? अब गमन को समझा रहे हैं टोडर मिली साहब, किसको समझा रहे हैं? संसार अवस्था में गमन होता है, और संसार अवस्था कैसी है कि दो की मिलीजुली सरकार है, कि इनकी दो गठबंधन की सरकार है बाबूजी, गठबंधन की सरकार समझे संजय जी भाई साहब? गठबंधन की सरकार मतलब दो भिन्न है ना असमान जाति व्यंजन पर्याय है, एक तो जीव है और एक पुद्गल परमाणु का ढेला, दोनों असमान जाति के हैं और दोनों मिले हुए एक क्षेत्र अवगाह में रहते हैं, एक क्षेत्र में रहते हैं आकाश के, ठीक है? अब उनका गमनादिक भी होता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाते भी हैं, अब जाते कैसे हैं उसको यहाँ समझा रहे हैं, और दोनों में अपनी क्रियावती शक्ति है, गमन करने की शक्ति है, ठीक है?
इतनी बात तो आपको क्लियर है। चलो अब अपन पढ़ते हैं आगे क्या कहते हैं। यहां ऐसा जानना किसको समझा रहे हैं टोटल मल्ली साहब? गमन को समझा रहे हैं, है ना। यहां ऐसा जानना कि जैसे दो पुरुषों को एक दंडी बेड़ी है। पुरुष कितने हो गए संजय जी भाई साहब? दो। और दोनों को आपस में बांधा किससे? एक बेड़ी से, है ना। एक बेड़ी से समझे आपको। एक एक तो तरीका होता है कैदियों का, क्या कैदियों का तरीका होता है कि आपको बेड़ी से और कोई फिक्स स्थान से आप बांध दो, ठीक है। और एक ये है कि दोनों को आपस में बांध दो, दो कैदियों को, ठीक है। एक हाथ इसका लिया और एक हाथ उसका लिया और दोनों के बीच में एक कड़ी है ना, उसको बांध दो। ओके, ठीक है गजाव साहब। अब यहां तो दो अलग अलग दिख रहे हैं बंदी, एक अलग और एक अलग। यहां पर भी दो बंदी है, यहां पर भी दो बंदी है, एक तो शरीर और एक आत्मा। दोनों का क्षेत्र एक है, एक अवगाह क्षेत्र में रहते हैं, लेकिन हे दोनों। और बंधान किससे है वो यहां बताया है, क्या है कि एक क्षेत्र अवगाह बंधान है। मतलब यह है एक क्षेत्र में ही रहते हैं संसार अवस्था में, ये बात हो गई। अब यह है कि साहब दोनों का गमन कैसे हो, दोनों जनों को बांध दिया दोनों के हाथ को और दोनों कैदियों का गमन किया, तो दोनों ही दौड़े दोनों साथ साथ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, तो कोई दिक्कत नहीं ना बाबूजी, चल सकते हैं दोनों, दोनों साथ साथ चले, ये भी चले और वो चले, ये अपनी क्रियावती शक्ति से चले, वो अपनी क्रियावती से शक्ति चलते, तो दोनों ही अपनी क्रियावती शक्ति से है, है ना। चाहे कोई भी डोमिनेंट करे लेकिन गमन कर सकते हैं। एक पक्ष तो ये है, एक पक्ष ये है कि एक गमन करना चाहे और एक गमन करना नहीं चाहे, उस परिस्थिति में क्या होगा? दो कैदी हैं संजय जी वैसा, एक बोले यार मेरे को तो नहीं आना, वो कहते चलो अपन वहां घूमते हैं, और वो बोलता भाई मुझे तो नहीं आना, मैं बैठूंगा, और एक जने के घूमने की इच्छा है, फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? बेड़ी से तो एक बांध रखा है उनको, फिर क्या होगा? जो दोनों में से बलवान है वो डोमिनेंट करेगा, डोमिनेंट करेगा, उसका रोल रहे कि अगर मान लो बलवान ऐसा है कि बोले मैं नहीं घूमू, तो जो कमजोर है वो क्या करेगा? कमजोर क्या करेगा? भले ही उसकी इच्छा हो लेकिन उस बलवान को नहीं ले जा सकता, ठीक है। और यदि बलवान घुमाने वाला है और कमजोर बोलते कि मुझे नहीं घूमना, तो क्या करेगा? बलवान उसको घसीट के ले जाएगा। दो बात हो गई। ऐसे ही इस एक क्षेत्र होगा संबंध है इस शरीर के साथ आत्मा का। यदि शरीर में पैरालिटिक हो गया, पक्षाघात हो गया, शरीर के अब घूम नहीं सकता है, घूमना नहीं चाहता ऐसा समझो, और आत्मा के घूमने की इच्छा है कि भाई भाणेज की हमारे साथी है, हम तो वहां जाए, क्या बाबूजी क्या होगा फिर? आपका है आत्मा को तो अंदर है जाने की इच्छा है, विकल्प है कि हमको वहां जाना है, और शरीर की स्थिति कैसी है? शरीर की स्थिति कैसी है संजय जी भाई साहब? ये पक्षाघात हो गया है, उसको लकवा हो गया है, रीढ़ की हड्डी ऐसी है कि वो खड़ा नहीं रह पाता है, अब क्या होगा बाबूजी? है तो शरीर वहां क्या करेगा? डोमिनेंट करेगा, ठीक है। अभी जैसे अपन यहां से निकल रहे हैं, फर्श पे पानी है ना, और पांव स्लिप हो गया, और क्या हुआ? पांव स्लिप हो गया, शरीर गिर गया। आत्मा की इच्छा तो नहीं थी गिरने की, क्या संजय जी जैसा है? आत्मा की इच्छा तो नहीं थी गिरने की, और शरीर गिर गया, फिर क्या करेगा है? फिर क्या होगा? वे आत्मा की इच्छा नहीं थी तो आत्मा के प्रदेश तो वहीं खड़े रह जाए, और शरीर गिर जाए तो शरीर के प्रदेश अलग, ऐसा होगा? क्या होगा वहां? डोमिनेंट कौन करेगा कि वो जो शरीर है, शरीर गिरा तो आत्मा के प्रदेश भी अपनी क्रियावती शक्ति से उस रूप, भले ही इच्छा नहीं हो तो भी गमन होता है, क्यों? कि वो घसीट के। और कभी ऐसा भी होता है कि इच्छा बहुत जोरदार हो आत्मा की, क्या, और शरीर की ताकत नहीं हो, बुखार आ रहा हो मुकेश जी भाई साहब, लेकिन अब भाव ऐसे कि नहीं मुझे वहां जाना ही है, तो आप क्या करोगे? शरीर को घसीट के ले जाओगे। और कभी ऐसा होता है, क्या होता है,
कि शरीर के गमन करने की ताकत है लेकिन आत्मा की इच्छा नहीं है, अभी दिन में है आप बिल्कुल नहीं, अभी तो मेरे को रेस्ट मूड में हूं, अभी मैं कहीं नहीं आऊं। क्या बाबू जी किस मूड में हूं? रेस्ट मूड में हूं। तो फिर क्या होगा कि वहां डोमिनेंट कौन हो गया? कि आत्मा वहां डोमिनेंट हो गया शरीर को। आई बात समझ? तो ये दो प्रकार के जो है गठबंधन सरकार कैसे चलती है वो तो आपको सब आइडिया है ना। गठबंधन सरकार जब मिली जुली सरकार रहती है तो कैसे चलती है उसको यहां समझाया है। गमनादिक कैसे होते हैं उसको सरल है, कठिन तो नहीं है। अरे बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई आपको? बस ये यहां उदाहरण से टोटमली साहब ने यही बात यहां समझाई है। देखो पढ़ते हैं, यहां ऐसा जानना कि जैसे दो पुरुषों को एक दंडी बेड़ी है, वहां एक पुरुष गमनादिक करना चाहे और दूसरा भी गमनादिक करे तो गमनादिक हो सकते हैं। पहली कंडीशन क्या? एक तो चाहे और दूसरा करे। अभी वो बात कैसे समझाएंगे आगे देखो बताएंगे यहां पे। क्या दोनों में से एक बैठा रहे तो गमनादिक नहीं हो सकते, ये एक पक्ष और है। तीसरा पक्ष, तथा दोनों में से एक बलवान हो तो दूसरे को भी घसीट कर ले जाए। तीन बातों के, दोनों मिलकर जाए, दोनों में से एक बलवान हो तो घसीट के ले जाए, और एक की इच्छा हो और वो नहीं जाए तो दूसरा भी नहीं कर पाए। ये तीनों कंडीशन हो गई है ना। आपको तीनों मैंने उदाहरण भी लौकिक दे दिए, पक्षाघात हो या आपको रेस्ट करने का मूड हो या आपको बुखार आ रहा हो और इच्छा बहुत हो और आप उसको घसीट के ले जाओ, तीनों घटना हो सकती है ना बाबू जी, है ना। ठीक उसी प्रकार आत्मा का और शरीर का जो बंधन है और उसमें गमनादिक इस प्रकार होता है। कैसे क्या कहते हैं? उसी प्रकार आत्मा के और शरीरादिक रूप पुद्गल के एक क्षेत्र अवगाह रूप बंधान है ना। वहां क्या बंधान थी? एक दंडी बेड़ी थी, और यहां क्या है? एक क्षेत्र में रहते हैं, बंधान है संसार अवस्था में। ऐसा नहीं होगा कि शरीर का क्षेत्र अलग हो जाएगा आकाश का और आत्मा का क्षेत्र अलग हो जाएगा संसार अवस्था में, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अब नहीं होगा तो बेड़ी है। अब दो चीज हो गई, दो जने मिल गए और रहना एक क्षेत्र में है। अभी है ना, घर में दो जने मिल गए ना, पति पत्नी, और रहना ये कंडीशन हो गई मुकेश जी वैसा कि रहना है तो कभी तो पति पत्नी की बात मानेगा, कभी पत्नी पति की बात। अगर रहना है तो ये तो कंडीशन है, क्योंकि एक एक बेड़ी है। अभी जो डोमिनेंट होगा वो घसीट लेगा, नहीं बात समझ में आए? जो मुख्य रहेगा वो घसीट लेगा उसको। अरे बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? है होता है ना, जहां भी देखना अगर कंडीशन फिक्स हो गई। क्या कंडीशन फिक्स हो गई? कि रहना आपको इस क्षेत्र में है, अलग अलग नहीं हो सकते। उसमें जो डोमिनेंट रहता है, जो मुख्य बलवान पार्ट रहता है वो घसीट लेता है। पांच जने मिलकर कोई निर्णय करना हो, अब चार जनों का निर्णय एक है और एक का निर्णय अलग है, फिर क्या होगा बाबू जी? अभी जो अभी संसद में निर्णय हुआ, अभी मान लो 60 लोगों का निर्णय अलग था और 300 लोगों का निर्णय अलग था, तो वो 60 लोगों को क्या करना पड़ेगा? भले आप वो घसीटेंगे ना भाई, जो डोमिनेंट रहेगा वो घिसेगा, उसको खींचेगा। शरीर मुख्य है, वो आत्मा की कितनी भी इच्छा हो आत्मा की, लेकिन पावरफुल शरीर है तो गमन नहीं करने देगा। डोमिनेंट शरीर है वहां पर, लकवे के केस में बात पकड़ में आई? शरीर गमन नहीं कर सकता, आत्मा की इच्छा बहुत है गमन करने की, फिर क्या होगा? गमन नहीं होता तो शरीर वहां डोमिनेंट है, शरीर मुख्य है, गमन नहीं होगा। कैसे घूमेगा, कैसे चलेगा भाई? पक्षाघात हो गया आपको, अब आपके हाथ हिलाने की इच्छा बहुत हो लेकिन शरीर नहीं हिल रहा, फिर क्या करोगे? तो आत्मा के प्रदेश को भी यही रहना पड़ेगा, भले इच्छा बहुत हो कि मैं यूं करूं, लेकिन आत्मा के प्रदेश को यही रहना पड़ेगा, क्योंकि एक क्षेत्र होगा संबंध है। अरे बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? कोई कठिन थोड़ी है बात, ये आई कजाओ सा बात समझ में। शरीर मुख्य रोल अदा, यहां से आप पिसल गए तो शरीर पिसल गया, आत्मा की इच्छा तो नहीं थी पिसलने की? अरे बोलो, पिसलने की इच्छा तो नहीं थी, फिर क्या होगा? शरीर पिछलेगा तो फिर आत्मा क्या करेगा? आत्मा ये खड़ा रहेगा,
भाई एक क्षेत्र होगा संबंध है, शरीर घसीट के ले जाएगा उसको, जाएगा आत्मा अपनी क्रियावती शक्ति से, लेकिन डोमिनेंट शरीर रहेगा। ये उसकी इच्छा नहीं होने के बाद भी उसका उस रूप परिणमन हो गया, वहां गमन हो गया उसका। बात पकड़ में आई आपको? सरल है, कोई कठिन नहीं है। अरे हाँ जी, है ना जी, इसमें क्या कठिन है, सरल, दोनों बात समझ में आ रही ना। देखो क्या कहते हैं, उसी प्रकार आत्मा के और शरीरादिक रूप पुद्गल के एक क्षेत्र अवगाह रूप बंधन है, वहां आत्मा हलन चलन आदि करना चाहे और पुद्गल उस शक्ति से रहित हुआ हलन चलन न करे, अथवा पुद्गल में तो शक्ति पाई जाती है परंतु आत्मा की इच्छा न हो तो हलन चलन आदि नहीं हो सकते। दो कंडीशन घटाई है यहाँ पर, एक तो आत्मा चाहे और पुद्गल नहीं चाहे, जैसे लकवा हो गया, क्या हुआ, आत्मा तो चाहे और पुद्गल नहीं चाहे, लकवा हो गया, तब क्या होगा, हलन चलन नहीं होगा। और एक दिन में रेस्ट के मूड में हो, ठीक है, आप आत्मा चाहता है कि हमें नहीं गमन करना और शरीर भले काय गमन करे, क्या होगा भाई, आत्मा की चलेगी, डोमिनेंट पार्ट है वो, गमन नहीं होगा। दोनों केस में हलन चलन आदि नहीं होगा। सरल है ना बात, तो सरल है, कठिन कहां है इसमें, क्या क्या कठिनाई का जवाब साहब, आप क्या है इसमें, सीधी बात है, दो जनों की मिलीजुली सरकार है यहां पर। अब इसमें दोनों में से जो, या तो दोनों साथ साथ इच्छा भी हो और ये गमन करे, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों की, इसकी इच्छा हो और शरीर के गमन करना हो, दोनों तो दोनों, अब इसकी इच्छा हो और शरीर गमन नहीं करना चाहे, या शरीर के गमन करना हो और इसकी इच्छा नहीं हो, तो दोनों केस के अंदर डोमिनेंट गमन नहीं होगा आपका। और फिर मान लो कोई पावरफुल रहा तो वो घसीट लेगा, ये बात है, आत्मा की इच्छा होती है, पुद्गल गमन करता है अपनी क्रियावती शक्ति से, डोमिनेंट रहा है, पुद्गल के अभी लकवा हो गया, अब ये डोमिनेंट है कि गमन नहीं करते यहां के परमाणु, इच्छा कहां पुद्गल के होगी, डोमिनेंट मतलब मुख्य पार्ट है कि आप फिर कितनी भी इच्छा कर लो, जो वो पावरफुल है ना वैसा होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा हाँ, लेकिन वो गमन करने में क्रियावती शक्ति है, वो गमन कर जाए तो आत्मा को घसीट ले, नहीं बात समझ में आई, पुद्गल गमन कर जाए, एक क्षेत्र होगा बेड़ी है तो आत्मा को घसीट ले, अब आपका पांव स्लिप हुआ, ठीक है, स्लिप हुआ और फिर इसने आत्मा को भी घसीट लिया, इच्छा नहीं थी आत्मा की, वो उसने उसको घसीट लिया, किसको, आत्मा के प्रदेश को, घसीटा मतलब कहने को कि खींच के लाया, ऐसा नहीं, वहां डोमिनेंट है, आत्मा अपनी क्रियावती शक्ति से जाता है लेकिन वो डोमिनेंट है, वो गया और इसको भी जाना पड़ा, आई बात, बात पकड़ में आ रही है आपको, सरल है, अरे हाँ जी हाँ जी, कितनी सरल है, कितना सरल है, देखो क्या सिचुएशन, देखो नाम कर्म के भेद प्रभेद, उसमें क्या क्या पार्ट है, कितना बड़ा डिपार्टमेंट है बाबूजी, शरीर के संबंध में मैनेजमेंट करने वाला, और अपन फालतू परेशान होते नहीं होते, फालतू नहीं परेशान हो रहे, बाल ऐसे हो गए, झुर्रियां पड़ गई, यू कर लेंगे, ऐसा हो जाएगा, ये खाएं, ये एक्सरसाइज करें, ये क्रीम लगावे, है ना, ऐसा नहीं होता संजय जी, वैसा फेयर एंड लवली लगाए फिर क्या होगा, फेयर हो जाएंगे, तो फिर ये वर्ण नाम का जो नाम कर्म है इसका क्या रोल रहेगा, है क्या होगा, परेशान हो रहे हैं बहुत अपन परेशान, और अपनी परेशानी से यहां कुछ भी नहीं हो रहा है, यहां की व्यवस्था तो पूरी पूरी अलग है, पूरा मैनेजमेंट ही यहां का अलग है, अपन विकल्प करते हैं परेशान होते हैं, विकल्प के अनुसार कुछ काम हो गया फेल जाते हैं, विकल्प के अनुसार काम नहीं हुआ परेशान होते हैं, व्यवस्था समझते नहीं है कि क्या व्यवस्था है, इस व्यवस्था को तो समझाया है टूटन मल जी साहब, अभी बहुत सुंदर बात कहेंगे, देखो बड़े आगे, अरे सरल है बात तो समझ में आ गई ना, चले आगे, हाँ हाँ, अरे वो कर्म का उदय छोड़ो, अभी पिसलने का काम शुरुआत कौन घसीट के ले गया, ये चर्चा चल रही है, डोमिनेंट कौन है,
जैसे आप गिर गए, आप गिर गए मान लो गाड़ी से, ठीक है, गाड़ी में बैठ के जा रहे थे आप, ओके, दोनों गमन कर रहे थे, आत्मा भी गमन कर रहा था अपनी क्रियावती शक्ति से, शरीर भी गमन कर रहा था अपनी क्रियावती से, और फिर ऐसा होके रगड़ गया शरीर, ठीक है, आत्मा की इच्छा नहीं थी इस तरह से जाने की, लेकिन क्या होगा फिर, फिर क्या होगा, तो जाएंगे तो कौन ने उसको डोमिनेंट करा, गमन करते समय डोमिनेंट करेगा तो आत्मा अपनी क्रियावती शक्ति से, लेकिन पुद्गल गया तो उसके हिसाब से वो भी जाता है संसार, एक क्षेत्र बेड़ी है, इसको कहते हैं एक क्षेत्र होगा संबंध, आई बात समझ में आपको, बेड़ी सी, बेड़ी मतलब एक जाएगा तो दूसरा जाएगा, जाएगा अपनी क्रियावती शक्ति से, लेकिन जाएगा, ये है कहने का, बेड़ी मतलब ये है, बेड़ी नहीं होती तो फिर कोई चक्कर ही नहीं था, दोनों में से कोई भी एक अगर बलवान गया तो दूसरा जाएगा, जाएगा अपनी क्रियावती शक्ति से, बलवान होगा वो घसीट लेगा, ये है कहने का मतलब, आई बात समझ में आपको, अरे हाँ नहीं, शुभ और अशुभ गमनादि मेरे को जो व्यू समझ में आ रहा है वो मैंने आपको बता दिया, आपको कोई और आधार गमन के संबंध में शुभ अशुभ का मिलता है ना आगम के आधार से, बिल्कुल वो अपन चर्चा कर सकते हैं, मैंने ये बोला ना, और विशेष विद्वानों से भी आप संपर्क कर सकते हैं, भाई इसकी अपेक्षा क्या है यहाँ टोटल मल्ली साहब की, क्योंकि इस पंक्ति का मुझे गमन में शुभ अशुभ का भेद जच नहीं रहा है, मैंने अपनी बात अपनी रख दी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैंने कहा जो सही है, मैंने अपना जो सोचने का एंगल आपके सामने रखा है, आप गमन में शुभ अशुभ के भेद होते हैं और किस आधार से भेद होते हैं उसका कोई आपके पास आधार है बिल्कुल आप बताइए, अपन सभा में भी चर्चा करेंगे और आप उसको चाहे व्हाट्सएप पे डालें, क्योंकि मैं ये सोच रहा हूं कि यहाँ शुभ अशुभ का जो पक्ष है वो नाम कर्म के आधार से उन्होंने बंटवारा दिया है, और गमनाधिक दोनों का गमनाधिक समझाने के लिए पूरा नीचे का पैराग्राफ दिया, ऐसा मेरा सोचना है, जरूरी नहीं है कि टोडरमल जी साहब का क्या व्यू था, आप अपन सभी चर्चा करेंगे से मिलान करेंगे पता चल जाएगा कि क्या होगा, इसका पक्ष आप बिल्कुल बताइए कोई दिक्कत नहीं है, मैंने जो कह दिया वो 100% सत्य है ये बात नहीं कह रहा हूं, मैंने अपने आधार से ये होना चाहिए ये बताया, ठीक है ना, चलें आगे, वहां आत्मा हलन चलन आदि करना चाहे और पुद्गल उस शक्ति से रहित हुआ हलन चलन न करे, अथवा पुद्गल में तो शक्ति पाई जाती है परंतु आत्मा की इच्छा न हो तो हलन चलन आदि नहीं हो सकते, तथा इनमें पुद्गल बलवान होकर हलन चलन करे तो इसके साथ बिना इच्छा के भी आत्मा हलन चलन करता है, बात समझ में आ गई, पुद्गल यदि बलवान रहा तो डोमिनेंट रहा तो क्या करता है, आत्मा की इच्छा नहीं हो तो भी आत्मा हलन चलन करता है, बिना इच्छा से करता है, करता अपनी क्रियावती शक्ति से, पुद्गल नहीं कराता है, लेकिन एक क्षेत्र बेड़ी है ना इसीलिए बिना इच्छा से करता है, आई बाबूजी बात समझ में आएगी, पढ़ो आप में से ये पंक्ति क्या कहना चाहते, ये पंक्ति पढ़ना बस, ठीक है बाबूजी समझ में आ गई क्या कहना है, फिर पढ़ता हूं मैं आपको, सबके पास है ना ग्रंथ, इनमें पुद्गल बलवान होकर हलन चलन करे, ऊपर की कंडीशन जो थी उसमें से दोनों में से कोई एक बलवान हो और नहीं हलन चलन करे तो नहीं होती, अब हलन चलन को समझा रहे हैं कि यदि पुद्गल बलवान है, ठीक है, और वो हलन चलन करे, दो कंडीशन हो गई, बलवान है और हलन चलन करे, बलवान किसमें, बलवान वो यहाँ वो आत्मा से उसके रूप में बलवान नहीं है, डोमिनेंट बताना चाह रहे हैं, डोमिनेंट कि वो करे तो दूसरे को करा दे इस रूप में बलवान, आई बात समझ में, किस रूप में बलवान कजाव साहब, वो करे और दूसरे को भी करना पड़े तो वो बलवान है ना, अपन लोक में भी इस तरह का उपयोग, भाई इसकी चलती है नहीं बोलते बाबूजी, इसकी घर में चलती है, इसकी मंदिर में चलती है, क्या चलती है, क्या चलती है, कैसे चलती है, ए वो पावरफुल आदमी है, क्या पावर है उसमें, पावरफुल क्या बोलते हैं अपन, किसको बोलते हैं पावरफुल, आप संजय जी भाई किसको बोलते हैं पावरफुल है, भाई अभी नरेंद्र मोदी की चल रही बीजेपी में, पावरफुल आदमी है, क्या क्या पावर है, वो शरीर की शक्ति से, फिर क्या, वो जो सोचता है जो विचार है उसको घसीट कर सबको फॉलो करा देता है, इस रेस्पेक्ट में पावरफुल, आई बात समझ में, इस रेस्पेक्ट में पावरफुल,
है ना, लोक में अपन ये शब्द यूज करते हैं, वही बात है यहाँ पर। इसी प्रकार क्या इसमें पुद्गल बलवान होकर हलन चलन करे, कौन करे? पुद्गल बलवान होकर हलन चलन करे तो उसके साथ बिना इच्छा के भी आत्मा हलन चलन करता है। हमारे दादाजी थे, मेरे दादाजी, उनके क्या है साहब कि ये हाथ कंटिन्यू जैसे हिलता था, कंटिन्यूस। मेरे हिसाब से कितना, 10 का मम्मी 10-15 साल तो रहा होगा, मोर देन दैट 15। आप मतलब ऐसा कंटिन्यूस, ऐसा मतलब आप ये जैसे मैं कह रहा हूं ना, अभी तो जैसे मैं इच्छा कर रहा हूं और पुद्गल डोमिनेंट है और वहां पुद्गल पावरफुल था और आत्मा, दोनों का अंतर समझा रहा हूं मैं आपको। अभी क्या है, अभी क्या है, मैं डोमिनेंट हूं, डोमिनेंट मतलब मैं आत्मा इच्छा कर रहा है तो ये हाथ हिल रहा है, और उनके उस समय में क्या था, उनकी इच्छा नहीं थी लेकिन शरीर ऐसा हिलता था उनका, तो वो आत्मा के प्रदेश भी हिलते। कंटिन्यूस मतलब आप समझो, रात में सोते समय भी उनको हाथ दबा के रखना, और ये 1-2 साल नहीं, और मतलब और एक और मैं बताता हूँ, हमारे जो पापा के नानी जी हैं उनके शरीर ऐसा हिलता था कभी कि आप ऊपर खड़े रह जाओ तो आप वैसे वाइब्रेशन करो, दुजनी चलती थी उनको, दुजनी अपन बोलते हैं कम कम भी, लेकिन उनको दुजनी ऐसी चलती थी बाबूजी, जैसे उनको ठंड लगी और अपन ऊपर रजे रख के, और अपन अगर उसको रोकेंगे दुजनी को तो आप भी हिलो, तो वहां क्या कि वहां शरीर डोमिनेंट कर रहा है और आत्मा के प्रदेश को भी। अरे बहुत मेरे के पास बहुत सारे उदाहरण है, लेकिन क्या है विषय सीधा है, पास पकड़ में आता है ऐसा, है ना। चलो समय हो गया है, अभी कल अपन इसका समापन कर देंगे। इसके अंदर जो मुख्य बात है, अंत की 2 पंक्ति, उस पर मुझे विशेष चर्चा करनी है। ये पैराग्राफ आप घर में 2-4 बार पढ़ना तो आपको बात पकड़ में आ जाएगी, विशेष चर्चा कल करेंगे। साची तो गंगा ये वीत राग मानी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी, जामे अति ही विमल अगाध ज्ञान प्राणी, जहाँ नहीं संशय आदि पंक की निशानी। साची तो गंगा ये वीत राग वाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी, सप्त भंग जहाँ तरंग उछलत सुखदानी, संत चित मृणाल वृंद रमे नित ज्ञानी। साची तो गंगा यह वीत राग वाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी, जाके अवगाहन ते शुद्ध होए प्राणी, भाग चंद निहचे घट माहिया प्रमाणी। साची तो गंगा ये वीत राग वाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोक,